शहरी उनके उनके साथ डकैती होती है, जब सारे ईद मना रहे हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर स्टिल अपनी ड्यूटी पे हैं। वो जो चोर भागे हैं वो मेरे बेटे की वजह से भागे हैं, क्योंकि वो फेक कॉल्स कर रहा था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आईजी पंजाब ने पर्सनली इसको देखा था और पर्सनली अप्रूव किया और उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे इसे जो है अपलोड किया गया। नावल लिख रहा हूँ बेनाम सिपाही के नाम से। ये जो पंजाबी फिल्म्स में जितनी देखता हूँ, मुझे आज तक नहीं समझ आई कौन सा थाना है जहाँ पे SHO के इतने इतने बाल हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी के साथ मैं हूँ मोहम्मद फाइक। नाजिन, हमने अपने प्रोग्राम में बहुत से टैलेंटेड पुलिस अफसरान को मधु किया, बहुत से मॉडल, अदाकार और सिंगर्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। राइटर के कलम की जुबान ही फनकार की पहचान बनती है। आज ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर हमारे प्रोग्राम में मेहमान है, जिन्होंने अपने लिखे गए स्क्रिप्ट की बदौलत अपने एक अलग पहचान बनाई। पंजाब पुलिस के ऑफिसर नैयर सुभानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। नैयर साहब, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम नैयर साहब, ये बताएं कि आपको राइटर बनने का ख्याल कैसे आया, कब आपको पता चला कि मैं राइटर बन सकता हूँ, ऐसा कोई सानिया हुआ, कोई वाकया हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थी? एक दफा हम एक बैंक रॉबरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वहाँ पे एक मर्डर भी हुआ था, तो ब्लाइंड मर्डर था। तो जब हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो कुछ इस तरह का लगा, क्योंकि बैंक रॉबरी भी हुई थी लेकिन एक पैसा भी नहीं वहां से गया था। अच्छा। और जितने कैमरास थे उन सब की पोजीशन चेंज हुई हुई थी, और जो बंदा जो जिसका मर्डर हुआ था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो जब आया था वो यूनिफॉर्म में था, राइट, और बैंक अंदर से लॉक था। लेकिन जब सुबह उसकी लाश मिली है तो वो साथ वाली गली में मिली है, और उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, और गन भी जो है उसकी चार वो जो है कुर्सी के साथ लगी हुई थी, गन भी कोई नहीं लेके गया। अब जब हम देख रहे थे कि अगर कोई मर्डर करने वाला है तो वो गन तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, काफी सारे इस तरह की चीजें थी। ड्रामा नहीं होता ऐसा, बिल्कुल, लग रहा था। बिल्कुल इसी तरह मैं भी यही फील कर रहा था उस दिन, मैं भी यही फील कर रहा था कि जिस तरह कोई ड्रामा चल रहा है और ये स्क्रिप्टेड है सब कुछ। अच्छा। तो फिर मुझे शौक चढ़ा कि यार इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं कहानी की शक्ल देता हूँ। फिर वहां से शौक डेवलप होना शुरू हुआ, फिर मैंने कहा कि मैं पुलिस पे वर्क करता हूँ। फिर मैं मुबशिर मेकन साहब SSP हैं, आजकल AIG इंस्पेक्शन लगे हैं अब जी, नहीं नहीं ठीक है, तो उनसे मैं मिला, उन्हें मैंने कहा कि सर मैं जो है ना एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ पुलिस के लिए ना, राइट, तो उन्होंने फिर आपको सपोर्ट किया और फिर वहाँ से हमने शुरू कर लिया। नैयर साहब, आपने पंजाब पुलिस के लिए बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, और इसी तरह की एक शॉर्ट स्टोरी जो कि अभी पिछले दिनों वायरल भी हो गई थी, साइवल पुलिस ने उसको प्रोड्यूस किया था, जिसमें 15 पे कॉल करने वाले वो लोग जो कि उसको हॉक्स कॉल की तरह करते हैं या फेक कॉल्स करते हैं, तो बताएं कि वो आइडिया आपको किस तरह से आया और आपने उसको प्रोड्यूस किया? वो एक बार मैं रेस्क्यू 15 ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त उसको डील कर रहे थे, तो मैंने उन्हें जब देखा कि इतनी फेक कॉल्स आती हैं और जिसकी वजह से जो ज़रूरतमंद है उस तक बात पहुंच ही नहीं सकती, तो उसको मैं अवेयरनेस देने के लिए मैंने ये जो चीज़ है ये डिज़ाइन की थी, right, और ये स्क्रिप्ट लिखा था। तो फिर मेरी मुलाकात हुई थी जो है SSP कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया साहब के साथ, उस वक्त वो DPO साहब थे। स्टोरी बताएं, स्टोरी क्या थी वो? इसकी स्टोरी ये है कि एक जो होते हैं शहरी उनके उनके साथ डकैती होती है। अब जब डकैती होने के बाद वो 15 पे कॉल करते हैं तो 15 पे कॉल नहीं हो रही होती, नंबर स्टिल बिजी जा रहा होता है, ईद का दिन होता है, और ये दिखाया गया कि ईद वाले दिन भी पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पे हैं, जब सारे ईद मना रहे हैं लेकिन पुलिस ऑफिसर स्टिल अपनी ड्यूटी पे हैं, ठीक है। अब वो कॉल्स कर रहे होते हैं, लोग भी कॉल्स करते हैं लेकिन नंबर बिजी जाते हैं। वो थाने आते हैं, थाने आके बताते हैं कि जी ये इस तरह मेरे साथ हुआ है, मैंने 15 पे कॉल्स की हैं तो कोई अटेंड ही नहीं कर रहा, बिजी जा रहा है नंबर। तो जो SHO हमने करेक्टर डिज़ाइन किया हुआ था, तो वो फिर वायरलेस सेट पे कॉल करते हैं इंचार्ज रेस्क्यू को, और उसे कहते हैं कि जी क्या मसला है, आपने कॉल अटेंड नहीं की, ये कॉल आई है आपको? उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई कॉल नहीं है इस तरह की। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, इसको राउंड अप करें। उन्होंने कहा कि एक नंबर स्टिल जो है ना वो मुझे सुबह का बार बार तंग कर रहा है, अब हम उसे ब्लॉक भी इसलिए नहीं कर रहे कि हो सकता है किसी टाइम उसे ज़रूरत हो और वो मुश्किल में हो, और हम उसे दोबारा फिर अगर हम ब्लॉक कर देते हैं या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो एप्लीकेंट है वो जब नंबर सुनते हैं तो वो कहते हैं नंबर दोबारा बोलिएगा, और जब नंबर दोबारा बोलते हैं तो कहते हैं ये तो मेरे बेटे का, और मेरी वो जो चोर भागे हैं वो मेरे बेटे की वजह से भागे हैं, क्योंकि वो फेक कॉल्स कर रहा था।
जो फेक कॉल कर रहा था उसी की फैमिली को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो ये लोग समझते हैं कि अगर आप 15 पे कॉल फेक कॉल कर रहे हैं, हॉक्स कॉल कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो ये आप मत समझें कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपकी इस फेक कॉल की वजह से जो आपके चाहने वाले हैं किसी परेशानी में मुबतला हो जाए, 15 पे कॉल ना कर सकें, तो काइंडली इससे गुरेज करें। नहीं, ये सब ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या फिर जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उसमें जो पंजाब पुलिस को दिखाया जाता है या पुलिस फोर्स को दिखाया जाता है तो बड़ा उसको डिग्रेड किया जाता है, हमेशा नेगेटिव पहलू दिखाया जाता है पुलिस का, पॉजिटिव दिखाया नहीं जाता। मुझे आज तक नहीं समझ आई, ये जो पंजाबी फिल्म्स में जितनी देखता हूँ मुझे आज तक नहीं समझ आई कौन सा थाना है जहाँ पे SHO के इतने इतने बाल हैं। नेगेटिव पहलू हमेशा पुलिस का, मैं इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ। आपकी एक फिल्म भी तो आ रही है, उसके बारे में बताइए कुछ हमें, जो रिलीज होने वाली है। अभी उसका शूट स्टार्ट है, जट्टा तो मनेगा, वो अरबाज खान साहब के साथ आ रही है, अरबाज खान साहब उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं और एज अ हीरो भी आ रहे हैं, तो वो भी मैंने हटके लिखी है, वो भी मेरी अरबाज साहब से यही बात हुई थी कि ये जो वो घोड़ा गंडासे और वो क्लैशन कल्चर है ना जो दिखाया जा रहा है, मुझे वो नहीं समझ आती कि क्यों दिखाया जा रहा है। बेसिक हमारा ये कल्चर है नहीं, हमारा पंजाबियों का ये कल्चर नहीं, हमारा पंजाबी कल्चर तो बहुत रिच कल्चर है। तो मैंने उन्हें कहा कि जो रियल पंजाबी कल्चर है हम वो दिखाएंगे, तो इसलिए मैंने ये लव स्टोरी लिखी है। पंजाब पुलिस के ऊपर आप लिखते हैं, आपकी स्क्रिप्ट्स भी जो पंजाब पुलिस की शॉर्ट फिल्म्स है उसके ऊपर होते हैं, इसके अलावा भी कोई पब्लिक के लिए भी लिखते हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस, कोई अवेयरनेस के लिए, एनीथिंग एल्स? जी, मेरा एक था ये जो छोटे होते हैं घर के बड़े होते हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, पब्लिक सर्विस मैसेज था ये। इसमें दिखाया गया था कि एक छोटा बच्चा जो कि अपने घर वालों को भी पाल रहा है और वो पढ़ना भी चाहता, और उसके बाद अभी जो है मैंने हेलमेट पे लिखी थी, हेलमेट की अवेयरनेस के लिए, जमाना बदल रहा है आप भी बदलें, और ये अल्हम्दुलिल्लाह IG पंजाब ने पर्सनली इसको देखा था और पर्सनली अप्रूव किया और उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे इसे जो है अपलोड किया गया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स मेरे तो एक नावल लिख रहा हूँ बेनाम सिपाही के नाम से, और उसके नीचे होगा द स्टोरी ऑफ टू ऑर्फन्स। आप एक फैशन मैगजीन भी रन कर रहे हैं जी, उसके बारे में बताइए कि जो फैशन मैगजीन है उसमें आप पंजाब पुलिस का जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करते हैं या फिर ऐसा टैलेंट जो जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई मौका नहीं मिलता, आप उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं इस प्लेटफॉर्म? जी, बेसिक ये है कि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए ही बनाया गया क्योंकि देखें यहाँ पे जिस तरह पुलिस के बारे में लोगों को नहीं पता, इस तरह फैशन इंडस्ट्री के बारे में भी नहीं पता, और हमारे यहाँ पे बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कुछ सीखा जाता है। नैयर साहब, राइटर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? राइटर बनना तो बहुत आसान है, आपको ग्लासेस लगानी पड़ती हैं, अच्छा, कुर्ता पहन लें, एक बैग, उसमें कागज और बॉल पॉइंट, आप राइटर बन ना आसान है ये, मजाक तो नहीं कर रहे क्या? राइटर ऐसे तो फिर मैं भी बन सकता हूँ, ग्लासेस मैंने पहनी हुई है, पेंसिल है मेरे पास और पेज भी है। राइटर दिखने के लिए ये सारी चीजें जरूरी ना, आप पूछे राइटिंग करने के लिए क्या, राइटिंग करने के लिए क्या जरूरी है, दोनों में क्या फर्क है, राइटिंग में और राइटर में क्या फर्क है? राइटिंग सीखनी पड़ती है और राइटिंग के लिए एक टाइम चाहिए, मुश्किल मिजाजी चाहिए, ठीक है। आपको जो राइटर है जो उसकी थॉट होती है ना वो गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन उसको एक प्रॉपर वे से लिखना वो सीखना पड़ता है आपको। नैयर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे नैयर सुभानी और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो स्क्रिप्ट लिखते हैं और पंजाब पुलिस के लिए वो काम कर रहे हैं। इसी तरह के मजीद टैलेंट को हम अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप लोगों ने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करना है, फेसबुक पे लाइक करना है, ट्विटर पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मोहम्मद फाइक को दीजिए इजाजत, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ अलहानी के बाद।